कांचामाली, जैसे कि नाम ही इतना डिफरेंट, इतना सुंदर नाम है, सुनने में ही इतना सुंदर लगता है, कान को इतना अच्छा फील होता है, कांचामाली। जिस तरह से 90s में, लेट 90s में मूवीज़ बनती थी और अर्ली 2000 में फिल्म बनती थी, उड़िया कल्चर से जुड़ी हुई, उड़िया मिट्टी से जुड़ी हुई, उसी तरह की मूवी है ये कांचामाली। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी कि फिर से पुराने उड़िया कल्चर को, एक ओरिजिनल लिखी हुई स्टोरी को उड़िया ऑडियंस तक पहुंचा पाए, और मैं आशा करती हूं कि आप सबको ये मूवी पसंद आएगी, आप सबके दिल को हमारी मूवी की स्टोरी छू पाएगी। After getting Gudu Gangster, you are getting more Odia film. What is the reason? What is the reason? Yeah. आप ही बताइए क्या reason हो सकता है? You are loving so much. Otherwise, you are loving Odisha very much. मैं तो हमेशा से, शुरू से उड़ीसा को बहुत प्यार करती हूँ, और हाँ, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि आई वॉन्ट टू कम बैक एंड आई वॉन्ट टू डू मोर उड़िया मूवीज। तो आई एम थैंकफुल कि अशोक पति जी ने मुझे गुड्डू गैंगस्टर के लिए फ़ोन किया, और मैंने फाइनली कहीं ना कहीं वापस ये डिसीजन लिया कि हाँ, मैं फिर से उड़िया मूवीज़ करूँगी। और जगन्नाथ जी की कृपा रही और माँ देवी माँ की कृपा रही, तो मैं आगे और बहुत सारी उड़िया मूवीज़ के थ्रू अपने दर्शकों को, फैंस को बहुत सारा एंटरटेन करती रहूँगी, यही मैं आशा करती हूँ। और मुझे आप सबका प्यार भी वापस हमेशा की तरह ऐसे ही मिलता रहेगा, ये आशा करती हूँ। ओडिशा के बारे में आपका ख्याल कैसा रहता है? मतलब आई लव यू के टाइम जैसा लग रहा था, अभी भी कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, फीलिंग वही है, जैसे अभी भी लोग वैसे ही प्यार देते हैं, अभी भी उस तरह से ही मूवी बन रही हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो उड़िया कल्चर मूवीज़ में खोता जा रहा है वो फिर से वापस आ जाए तो और भी अच्छा सोने पर सुहागा हो जाएगा। और कांचामाली के थ्रू हम इस सब्जेक्ट के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि जो हाजरा सर का और जो सत्यजीत बाग जो हमारे प्रोड्यूसर है, उनका जो विजन है कि फिर से एक इस तरह का सब्जेक्ट लेकर आया जाए जो उड़िया ऑडियंस को टच करे, और एक जो यंगस्टर्स हैं वो भी समझ पाएँ और वो देख सके कि उड़िया, एक्चुअल उड़िया कल्चर, उड़िया मूवीज़ क्या होती हैं। तो आई होप कि हम लोग हमारे ये विजन को और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की विजन को ऑडियंस तक पहुंचा पाए। अभी कुछ ही महीने में वो आई लव यू का 20 साल पूरा हो जाएगा। हाँ, आपको कैसा लग रहा है 20 साल? मैम बहुत प्राउड फील होता है मुझे अपने आप पे कि एक ऐसी मूवी का मैं हिस्सा बनी, एक पार्ट बनी, और भगवान ने मुझे ये मौका दिया। और टूटू जी ने, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं आप सभी जानते हैं, ब्रजराज मूवीज़ के, ब्रजराज मूवीज़ ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस मूवी का एक हिस्सा बनी, और जो कि रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, यू ऑल नो। ये पता नहीं कितने दशकों तक ये मूवी को लोग याद रखेंगे और जानी जाएगी, और मैं हमेशा लोगों के दिल में इस मूवी के थ्रू जिंदा रहूँगी, मैं चाहे रहूँ या ना रहूँ। तो आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ आई लव यू। टू भी आ रहा है 2024 में, मुझे पता नहीं है एक्चुअली। अच्छा, बट मैंने टूटू से सुना है कि अच्छा, वो अब कभी कभी बोलते रहते हैं कि हाँ, आई लव यू 2 की प्लानिंंग चल रही है। सो आई विश कि जल्दी उड़िया ये आई लव यू 2 आए, और जिस तरह से लोग, बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं कि आई लव यू 2 कब आएगी, तो फिर से आई होप जल्दी मूवी आए और लोग वापस आई लव यू 2 को भी उतना ही प्यार दें जितना उन्होंने आई लव यू को प्यार दिया है। अच्छा, आपके मुंह में घी शक्कर मुझे मालूम नहीं है। जो भी हो, मूवी में मैं होंगी तो आई विल डेफिनेटली डू इट, वाई नॉट, क्योंकि अगर लोगों ने जितना प्यार मुझे, मेरा वही तो मेरा बेस है, उसी मूवी के थ्रू मैं यहाँ पे जो भी हूँ आज, इसी मूवी के थ्रू हूँ। तो अगर उन्हें लगेगा कि हाँ, हम नम्रता को वापस होना चाहिए आई लव यू 2 में, तो आई फील वेरी प्राउड, आई फील हैप्पी, एंड आई विल बी द ब्लेस्ड वन। टूटू भाई, यू बेटर टेक मी फॉर आई लव यू 2, ओके?